पक्का चाय लेंगे, आज हम भूले नहीं है, और साथ अंडा करी विद राइस, और भाई चॉपस्टिक भी हमने रेडी कर लिए हैं। हेलो पीपल, दिस इज योर कुमाऊनी होटेलियर एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह का टाइम है, ऑन द वे टू ऑफिस। मैं बस चाय लेने गया दीपक, चाय पीने के लिए रुकते हैं, बहुत जल्दी आ गए। आज तो 9:30 तो रस्ते में हुआ था। दूसरी चीज यार, आज मौसम ठीक है, मतलब पहले से बेटर है, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही है ना शाम में लगातार। सुबह का वेदर अच्छा हो रहा है, गुड़गांव का वेदर अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं, मतलब एसी भी नहीं चलाया था आज तो गाड़ी में, और कोई पसीना वसीना भी नहीं आ रहा है। तो गाइस, बेस्ट और है मेरी आपसे, लाइक करो वीडियो को, चैनल को करो सब्सक्राइब, ठीक है। वीडियो को देखो, पूरा वीडियो को देखो, सारे लोग दोबारा से वापस आ गए हैं, कुछ बढ़िया सा करेंगे आपके, इन्जॉय करो। सो हेलो पीपल, आशीष जी से मिल लो आप आज। तुम लाइव नहीं हो? लाइव मैं लाइव नहीं हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। इसको एडिट कर लेना। दाढ़ी और बाल कैसे लग रहे हैं? 5 रुपए ले लेना प्लीज। 5 रुपए नहीं लूंगा। 5 रुपए पान बराक की टॉफी चाहिए? आप पान बराक की टॉफी लो, किसमी वाली टॉफी ले लेना। लेकिन बता दो, बाल और दाढ़ी कैसी लग रही है? बड़े बहुत बड़े लग रही है, बोलो। मस्त एकदम। मम्मी सुन लो, बहुत बड़े लग रहे हैं भाई। तू भी आ, इधर इधर आ जा थोड़ा सा। अरे इधर तो आ जा, अरे आ जा, ले इधर ही आ जा फिर। हाँ भाई, दाढ़ी और बाल कैसे लग रहे हैं? बढ़िया। कैसे? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया या बहुत ज्यादा बढ़िया? अरे बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। मम्मी सुन लो, बहुत ज्यादा बढ़िया। मेरी मम्मी ने सबको 500 रुपए दिए हैं, ये बोलवाने के लिए 5 रुपए। एकदम बाबा जी लग रहा है। 5 रुपए इसको दिए हैं। 500 रुपए दिए हैं ये बोलने का। पागल हो गया मैं, 500 रुपए इनको दूंगा? 500 रुपए का मैं बियर्ड ऑयल? और आज तो बहुत अच्छी लग रही है मेरे को खुद भी। तुम क्या सोच रहे हो? कितनी अच्छी भी नहीं है जो हम बोल ले, बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी भी नहीं है जो हम फ्री में बोल देंगे, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, तो बहुत अच्छी लग रही है। सुनो, तुम 500 से 700 कर दो। बहुत तारीफ कर दी इन लोगों ने मेरी, ये देखो ये भी तारीफ कर रहे हैं प्रदीप जी मेरी। मैं इनकी तारीफ में 2 शब्द कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी दाढ़ी लग रही है, सबने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया। गाड़ी से जा रहा था, एक फनी सी चीज दिखाता हूँ आपको, ठीक है, देख के हंस लेना थोड़ा सा। तो गाइस, UK 07 नंबर है गाड़ी का, देहरादून की गाड़ी है, देहरादून उत्तराखंड के नंबर की गाड़ी दिखती है तो अच्छा लगता है प्रदेश में देख के। दिल्ली गुड़गांव जैसी जगह पे अगर उत्तराखंड नंबर की गाड़ी दिखती है तो अच्छा लगता है। अरे यार, मतलब लगता है कि हाँ अपने उधर से हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। सो गाइस, रूम पे आ गए अभी हम लोग, और अंडा करी स्पेशल बन रही है आज दीपक के हाथ की, पूरा देखो वीडियो को। अच्छा, दूसरी एक चीज और है, कल हमने ना एक चैलेंज किया था, चॉपस्टिक से खाना खाना आता है, तो नीरू ने बोला चलो चैलेंज लग गया कि आज तुम राइस चॉपस्टिक से खा के खाओगे। तो कल तो हम भूल गए खाते खाते, लेकिन आज ये चैलेंज है दीपक के साथ कि वो चॉपस्टिक से खाएगा। नीरू क्या कहती है आज, क्या दीपक का चैलेंज? याद रखना, आज याद रखूंगी। आज इसे चॉपस्टिक से राइस खिलाना है, ठीक है। तो नीरू अभी कल वाला ब्लॉग देख रही है, उसने शायद देखा नहीं था, ड्यूटी में बिजी थी, अभी देख रही है वो अपने मोबाइल में कल वाला ब्लॉग जो बनाया था। बाकी दीपक अभी टमाटर प्याज वगैरह करके अंडा वंडा कर रहा है, और चॉपस्टिक वाला चैलेंज है भाई आज, देखो वीडियो को, मजा आ जाएगा वीडियो में। चॉपस्टिक से राइस खा के दिखाएगा दीपक, क्योंकि उसने दावा किया कि उसे खाना खाना आता है, तो दीपक का दावा है कि वो चॉपस्टिक से खा के दिखाएगा खाना। देखते हैं आज राइस खा पाता नहीं खाता, चॉपस्टिक से चैलेंज लग गया है, और दिखाते हैं आप लोगों को भी, इन्जॉय करो, लाइक कर दो फटाफट दीपक के लिए, ताकि वो खा ले चॉपस्टिक से राइस। नहीं है अमृतसर? आप क्या हुआ? सर मुझे नहीं जाना, ऐसे ही रेस्ट करना है मुझे। नहीं जाना भाई, उसको रेस्ट करना, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। क्या दिक्कत है तुझे दीपक? हाँ, देख भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तुम करोगे वैसा ही तो भरोगे ना, दिस इज कर्मा। ये कर्मा आना था दीपक लौट के, ये आता है, कईयों को ऐसी धोखा दिया है, आज चलेंगे कल चलेंगे। आज बोल रहा हूँ 7 तारीख को ब्लॉग बना के डालूंगा अपनी तरफ से। कौन सा? मैं उत्तराखंड पहुंच जाऊंगा रात को। ठीक है, क्या बोलेगा ब्लॉग में? आदमी है और क्या? क्या? नहीं मैं कह रहा हूँ क्या बोलेगा ब्लॉग में। तू उत्तराखंड आ गया, क्या बोलेगा? और पता है हम तेरे से क्या बोलेंगे? देख सुन, पता है हम तेरे से क्या बोलेंगे 7 तारीख को? छोटी बच्ची हो क्या? मेरे क्या बोलेंगे? सात तारीख आने से दो पता है।
हम बोलेंगे 7 तारीख को नहीं जा पाएगा ना, तो हम यही बोलेंगे तेरे से छोटी बच्ची हो क्या भाई। 7 तारीख को तुम्हारा भाई प्रगन बिना कहे कुछ भी बोलता है भाई साहब, कुछ भी है पॉसिबिलिटी नहीं है जिस चीज की वो बोल रहा है। अभी चल दीपक कोई बात नहीं, हमारा रामू बना क्या रहेगा ना, अंडा करी रामू अंडा करी बना रहा है, सॉरी राजू काका, आई एम सॉरी दीपक तेरा नाम भूल गया था, राजू काका का नाम भूल गया भाई। उत्तराखंड जाएंगे तो जाएंगे, कोई नहीं रोक तो मुझे, उत्तराखंड तो बहुत बड़ा है दीपक, चमोली डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ। चमोली डिस्ट्रिक्ट जाएगा तुम, वहाँ क्या करेगा जाके, करेगा वहाँ जाके क्या, क्यों जा रहा है यार दीपक मच्चा। ऊपर तो बोला गैस चूल्हा लेके जाएगा, सांस कुर्सी लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा कह रहा है, मोर बेगा तो छोटी वाली 4 चेयर खरीद लेगा और एक छोटा वाला सिलेंडर। दीपक अच्छा वहाँ जाके चिकन बनाएगा, क्या बनाएगा वहाँ जाके, चिकन बनाएगा और मैगी बनाएगा सबको खिलाएगा। कितने बढ़िया सपने देखे हुए यार, कितने बढ़िया सपने देखे हैं दीपक, वेरी गुड भाई। 7 तारीख को तो मुझे पता है बिस्तर से भी नहीं उठेगा है ना। परसों जा रहा हूँ मैं मूवी देखने। कौन सी? परसों भाई, वो तेरा परसों कभी भी नहीं आएगा। मैंने तो उसके भरोसे रहना ही छोड़ दिया है, क्योंकि वो होता ही नहीं है, जो ये काम बोलता है कभी भी नहीं होता वो। ना तो वो 7 तारीख आएगी इसके घूमने वाली, ना वो दिन आएगा जब ये मूवी देखने जाएगा। दीपक क्या न्यूज देना चाहते तुम अपने सब्सक्राइबर्स पे? 9.5 रुपए घट गए भाई पूरे, कैश कर लो। और डीजल पे 7 रुपए घटे हैं और घरेलू गैस पे 200 रुपए, बहुत ही उम्दा पड़ता है। इन सेंट्रल स्टेट वाइज अलग अलग रेट है, जैसे कि गुड़गांव में अभी तकरीबन 96.5 के समथिंग रेट है पेट्रोल का, और गैस में घटे हैं करीबन 1650 का सिलेंडर। 1000 यार हमने तो गलती किया, घर गई थी जब सिलेंडर बुक किया था, 2 दिन बाद आ गया, कम से कम 1-2 दिन बाद करके 200 रुपए कम तो होता। ये देख भाई दीपक, सब कुछ तो ठीक है, सब बढ़िया है, चल पेट्रोल घट गया ही हो गया, बट वो मैं भूल गया उसको, तो मैं सुन भी नहीं रहा तेरी बात। सबसे मेन बात ये है भाई, खाने में गरम मसाला या मिर्ची तो नहीं डाली है ना दीपक? अब रख दो कुछ राइस, रख दो मसाला तो नहीं ना दीपक, क्योंकि कल वाला खाना ना अभी तक मेरे गले में मिर्ची लगा के बैठा है। सो गाइस डिनर रेडी है, खाने के तैयार हैं, और दीपक का चैलेंज आज हम भूले नहीं है, और साथ में अंडा करी विद राइस, और भाई चॉपस्टिक भी हमने रेडी कर लिए हैं। तो दीपक ने ऑफिस में भी किसी को बोला था कि वो चॉपस्टिक के साथ, दीपक ने ऑफिस में भी बोला था कि वो चॉपस्टिक के साथ खा के दिखाएगा उसे आता है खाना, तो भाई अभी प्रूफ हो जाएगा, चॉपस्टिक हमारे पास आ गई है और खाना रेडी है। चल दीपक भी रेडी, आज करवा ले दीपक बेइज्जती। बस 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 यही तो सुनना था। तो भाई चॉपस्टिक चैलेंज गोइंग टू बिगिन। हाँ बोलना बहुत इजी होता है दीपक, ये पहली बार तो यहाँ से भी इतने आगे से भी पकड़ूंगा। कोई नहीं दीपक चॉपस्टिक तो ऊपर से पकड़ो। कहाँ ये क्या, प्याज तो कोई भी खा लेगा, राइस खा के दिखा ना। हाँ अब राइस उठा। भाई राइस देखो कितने पतले हैं। तो यार हम तो क्या कर सकते हैं, हम तूने बोला कि तू खा के दिखा देगा तो खाता, इसीलिए मैंने तेरे को बोला कि देखो भाई राइस देख लो। अब इसमें ऐसा नहीं है कि टमाटर प्याज है बस, नहीं भाई ये दोनों में ऐसे थोड़ी चॉपस्टिक से खाया जाता है, ऐसे भाई खाते हैं चम्मच में, ऐसे रख के राइस ऐसे खाते हैं चम्मच ऐसे करके। तुम खा के दिखा दो लोग, वो स्टिकी राइस होते हैं ये तो खा लेगी भाई, उसने बाउल में निकाल रखा था, एक बाउल में दिमाग लगा के देख लो भाई, भाई देख ऐसे राइस खा, देख लो भाई देख बाउल ही चाहिए। पहली बात तो ये तुमने यहाँ से कौन पकड़ता है, ऊपर से पकड़ी जाती है मेरी मम्मी, अब ये भी कोई हुआ है मेरे वहां से कमरे वाला भाई हेड से पकड़ी जाती है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम खा के दिखाओ। हां दिस इज द राइट वे, जैसे इसने पकड़ा, और ये बाउल में ही खाना पड़ता है दीपक, ये प्लेट में नहीं खा सकते चॉपस्टिक से। मैंने तेरे को उस दिन भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ कि चॉपस्टिक से प्लेट में नहीं खा सकते खाना, खा के दिखाया ना मैंने, ये खाना थोड़ी होता है ऐसे ही खाते हैं भाई। नहीं नहीं ऐसे कर, ये तो चम्मच है, चम्मच ऐसे चम्मच से खाते हैं भाई, जैसे तू चॉपस्टिक से खा रहा है ऐसे ही खाते हैं भाई। सो गाइस टोटली फेल, इसका चैलेंज सारा खत्म, वीडियो सबने देख ली, फेल है, नहीं हो पाया ऐसे चैलेंज।
और मैं इसको पहले ही बोल रहा था कि ये राइस ही नहीं होते चॉपस्टिक से खाने वाले, चॉपस्टिक से खाने वाले राइस होते हैं स्टिकी राइस। मैंने खा के दिखाया गाइस, तुमने केडी वीडियो में देख लिया होगा भाई ना, वो खाते हैं बाउल में, जैसे इसने बाउल में लिया ना, बाउल में इजी होता है खाना, और इस तरह के राइस खाने से बाउल में भी खाए जा रहे हैं मैडम से, तो बाउल में ही खाने पड़ते हैं, इस तरह के राइस प्लेट में नहीं खा सकते। सही तो खा रही हो, आ गया भाई चॉपस्टिक चैलेंज ये फेल। चलो खाना वाना खा लेते हैं। चैलेंज करता है यार, सारे चैलेंज में तो तू फेल हो जाता है। तुम्हारे कहने का। हाँ तो फेल हो गया तू। हम भाई टैलेंटेड है, तू नहीं है, तू थोड़ा कम है टैलेंटेड, कि नहीं तू थोड़ा कम है। दिन भी मैं ककड़ी लेकर आ रहा था। क्यों खाओ ना ककड़ी। हाँ मत खा, कोई बात नहीं, ये तो बढ़िया वाली ककड़ी है यार। किसका ककड़ी? किसके गाँव से आई है यार? दीपक आज वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा है जैसे तू अंडा करी बनाता है। क्यों? आज वो टेस्ट है ही नहीं, तेरे हाथ में कंसिस्टेंसी नहीं है। कल से खुद बोलो। क्या कल से खुद बोलो? बनाएगा तो तू ही, तुझे हायर किस लिए किया गया है? ये देसी अंडे दे क्या? हम इतना है क्योंकि येलो येलो ये ऐसे क्यों रेंज जैसा? दीपक बताएगा। गोबर को नहीं मिलती घास, गधे गाने चमन पे। न्यूज़ में गधा बोल रहा है यार, नाम तो बोल रहा है गधा। यार इसको कुछ नहीं आता बताए, ये सही से कर ही नहीं सकता कोई भी चीज। ये हाथ में परफेक्शन नहीं है यार। मंथली सैलरी काट दे नीरू, 700 रुपए काट दे। इसमें कान दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। तो भाई देख लो, ये होता है डेंगू का मच्छर जो कि हमारे पीने के पानी में पैदा हो रहे हैं। ये हमारे पीने के पानी में पैदा हो रहे हैं भाई डेंगू के मच्छर। वो तो अच्छा समय रहता है, हमने देख लिया, वरना पेटी में जाते हैं कितने सारे। ये तो पानी में तो हो गई गड़बड़, मच्छर पैदा हो गए, और दीपक ने उससे भयंकर काम किया। रात उसी पानी को इसने क्या करा, बोतल में भर के फ्रिज में रख दिया, इनने वो कीड़े भी जमा दिए। जमा नहीं रहा दीपक को कीड़े, उसमें बर्फ जम रही है कीड़ों में भी पूरी।